बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ चांस इन द ट्रेजेडी ऑफ अथेलो। अथेलो की ट्रेजेडी में मौका या इत्तफाक का किरदार। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर। नंबर वन, एन इंपॉर्टेंट थीम इन द प्ले, ड्रामे में एक अहम मौजू। नंबर टू, डेस्डिमोनाज लव फॉर अथेलो इज बाय चांस, अथेलो के लिए डेस्डिमोना की मोहब्बत इत्तफाकिया है। नंबर थ्री, कैसियो स्ट्रक मोंटेनो बाय चांस, कैसियो बाय चांस इत्तफाकन मोंटेनो को जरब लगाता है। नंबर फोर, डेस्डिमोना ड्रॉप्स हर हैंकरचीफ, डेस्डिमोना अपना रुमाल गिरा देती है। एंड एमिलिया पिक्स इट अप, पिक्स इट बाय चांस, और एमिलिया इसे इत्तफाकन उठा लेती है। नंबर फाइव, डेस्डिमोना शेड्स टीयर्स ऑन द डिसमिसल ऑफ कैसियो बाय चांस, डेस्डिमोना कैसियो की बरतरफी पर आंसू बहाती है बाय चांस इत्तफाकन। डियर फ्रेंड्स, आइए आप क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ चांस इन द ट्रेजेडी ऑफ अथेलो। अथेलो की ट्रेजेडी में इत्तफाक का किरदार, मौका या इत्तफाक का किरदार। अकॉर्डिंग टू शेक्सपियरियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी, शेक्सपियरियन कंसेप्ट ऑफ ट्रेजेडी के मुताबिक, यानी ट्रेजेडी के तसव्वुर के मुताबिक, अपार्ट फ्रॉम द फेटल फ्लॉ, मुहलिक नुक्स या खराबी के सिवा, विच ब्रिंग्स अबाउट द फॉल ऑफ द हीरो, जो हीरो के सवाल की वजह बनता है, सम अदर फैक्टर्स बियॉन्ड द पावर ऑफ द ट्रेजिक हीरो आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटास्ट्रॉफी। सम अदर फैक्टर्स, कुछ दूसरे अवामल ट्रेजिक हीरो की ताकत से परे, आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटास्ट्रॉफी, तबाही के लिए जिम्मेदार हैं, आर ऑल्सो भी जिम्मेदार हैं। दे आर मेनली टू, वो ज्यादातर दो हैं। नंबर वन, द रोल ऑफ सुपरनेचुरल एंड, माफोकुल फितरत का किरदार, और नंबर टू, द एलिमेंट ऑफ चांस, मौका या इत्तफाक का अंसर जुज। दो इन अथेलो देर इज नो सुपरनेचुरल एलिमेंट, अगरचे ड्रामा अथेलो में कोई माफोकुल फितरत एलिमेंट नहीं, जुज नहीं, आंसर नहीं, येट चांस डज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अलबत्ता चांस, मौका एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इनफैक्ट इन नो अदर ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर डज चांस वील्ड सच एन इंपॉर्टेंट एंड वाइटल इन्फ्लुएंसेस एज इन अथेलो। इनफैक्ट दर हकीकत इन नो अदर ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर की किसी दूसरी ट्रेजेडी में नहीं है डज चांस वील्ड, चांस यानी मौके ने इस तरह से एक अहम और जरूरी असर नहीं काबू में रखा है एज इन अथेलो जितना के अथेलो में। शेक्सपियर्स बिलीव इन डिवाइन जस्टिस, शेक्सपियर का यकीन इन डिवाइन जस्टिस, खुदाई इंसाफ में, इज रिप्लेस्ड बाय अ बिलीफ इन चांस इन अथेलो, इज रिप्लेस्ड बाय अ बिलीफ, यानी एक यकीन और अकीदे ने उसकी जगह ले ली है इन चांस इन अथेलो। अथेलो के ड्रामे में चांस यानी एक मौका या इत्तफाक में अकीदे ने जगह ले ली है, यकीन ने जगह ले ली है। ऐसे ब्रूक सेज दैट चांस इज एट द रूट ऑफ द यूनिवर्स इन अथेलो, ऐसे ब्रूक कहता है कि मौका, इत्तफाक
इज एट द रूट ऑफ द यूनिवर्स इन अथेलो। अथेलो के ड्रामे में कायनात की जड़ है, यूनिवर्स की जड़ है। द कंसेप्शन ऑफ द प्ले, द मूवमेंट ऑफ इट, ड्रामे का तसव्वुर, द मूवमेंट ऑफ इट, इसकी हरकत, द इवेंट्स इन इट, इसमें वाकयात, द ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ द कैटास्ट्रॉफी, और ऑल अपेरेंटली इन द रियलम ऑफ चांस, द ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ द कैटास्ट्रॉफी, तबाही की वजह बनने वाले, और ऑल अपेरेंटली इन द रियलम ऑफ चांस, तमाम वाज़े तौर पर मौका या इत्तफाक की रियलम है, सल्तनत है, बादशाहत है। इन अथेलो चांस इज द मेन स्प्रिंग ऑफ एक्शन। अथेलो के ड्रामे में मौका या इत्तफाक मेन स्प्रिंग ऑफ एक्शन, एक्शन का बड़ा चश्मा है, बड़ी बहार है या बड़ा चश्मा है। अयागो's सक्सेस वाज partially due to his ingenuity. अयागो की कामयाबी जुज़वी तौर पर उसकी चलाकी की वजह से थी, but he was exceptionally lucky. लेकिन वो गैर मामूली तौर पर खुशकिस्मत था, लकी था। For the chance assistance was all in his favor. क्योंकि मौके या इत्तफाक की मदद तमाम तर उसकी हमायत में थी। डॉक्टर ब्रैडली सेस, डॉक्टर ब्रैडली कहता है, इट सीम्स टू अस, हमें ऐसा दिखाई देता है, दैट इन अथेलो चांस आर अनरीजन, के अथेलो के ड्रामे में मौका या बेवजह, ब्लाइंड एंड डेफ, अंधा और बहरा, इज एट द सेंटर ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के मरकज में है। डेसडिमोना'स लव फॉर अथेलो बिगेन इन अ चांस। अथेलो के लिए डेसडिमोना की मोहब्बत इन अ चांस, एक इत्तफाक में शुरू हुई, यानी इत्तफाकन शुरू हुई, एंड वाज द मोस्ट अननेचुरल एंड इम्प्रोबेबल पार्ट ऑफ हर लाइफ, और इंतहाई गैर फितरी और खिलाफे क्यास हिस्सा थी ऑफ हर लाइफ, उसकी जिंदगी का। इट अपीयर्स ऑलमोस्ट अननेचुरल, ये तकरीबन अननेचुरल, गैर फितरी जाहिर होती है, दैट डेसडिमोना ब्रॉट अप अमिडस्ट द रिफाइनमेंट्स एंड सेरेमनीज ऑफ वेनिशियन लाइफ, के डेसडिमोना ने परवरिश पाई अमिडस्ट द रिफाइनमेंट्स, नफास्तों और तकरीबात के दरमियान, ऑफ वेनिशियन लाइफ, वेनिशियन की जिंदगी के दरमियान में, शुड फील अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अथेलो, अथेलो की तरफ मतवज्जो होना चाहिए, अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी की तरफ, विद ब्लैक स्किन, यानी स्याह जिल्द वाले की तरफ। डेसडिमोना'स मैरिज विद अथेलो बिगेन इन अ चांस मीटिंग। डेसडिमोना'स मैरिज विद अथेलो, अथेलो के साथ डेसडिमोना की शादी, बिगेन इन अ चांस मीटिंग, एक इत्तफाकी मुलाकात में शुरू हुई। फॉर अथेलो वॉज ऑफन कॉल्ड बाई बर्बेंटियो टू नरेट टू हिम स्टोरीज ऑफ हिज एडवेंचर, क्योंकि अथेलो को अक्सर ब्रबेंटियो बुलाता था टू नरेट टू हिम, उसे कहानियां बयान करने के लिए, ऑफ हिज एडवेंचर, अपनी मुहिम जोई के बारे में। देर वॉज नो नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लैक मूअर एंड द फेयर ब्रबेंटियो, देर वॉज नो नेचुरल रिलेशनशिप, कोई फितरी या कुदरती तअल्लुक नहीं था स्याह हबशी और गोरे ब्रबेंटियो के दरमियान। द चांस, मौका, मीटिंग बिटवीन अथेलो एंड डेसडिमोना, अथेलो और डेसडिमोना के दरमियान इत्तफाकिया मुलाकात, अल्टीमेटली लेड टू देयर अननेचुरल मैरिज, आखिरकार उनकी गैर फितरी शादी की तरफ ले गई।
Cassius was prevailed upon by Iago to drink a cup of wine. Cassius was prevailed upon by Iago. Cassius ko Iago ki taraf se targhib di gayi to drink a cup of wine. Sharab ka ek cup peene ke liye. It was just a chance. Ye mehaz ek mauka tha that Cassius struck Montano. Ke Cassius ne Montano ko zarb lagayi and engaged himself in an unseemly quarrel with the ex-governor and engaged himself aur khud ko masroof kar liya in an unseemly quarrel ek na munasib jhagde mein khud ko masroof kar liya with the ex-governor sabka governor ke sath which brought about his dismissal to uski bartarfi ki wajah bana dismissal bartarfi It was just a chance that Iago was appointed as ensign by Othello. Yeh mehaz ek mauka hi tha ke Iago was appointed as ensign ke Iago mukarrar kiya gaya ensign ke taur pe alambardar ke taur par by Othello ki taraf se. It was the greatest of malignant accidents. ये था द ग्रेटेस्ट ऑफ मेलिग्नेंट एक्सीडेंट्स मोहलिक तरीन हादसात दैट गेव अथेलो सच अ मैन एज अयागो जिसने अथेलो को एक ऐसा आदमी दिया जैसा कि अयागो अथेलो एन एक्सपीरियंस्ड सोल्जर अथेलो एक तजुर्बाकार सिपाही फॉल्स अ प्ले टू द इवल machinations of Iago. Iago ki buri saazishon ka shikar ho jata hai. A young man of 28. 28 saal ka ek naujawan. It is a pure chance that Othello implicitly believes Iago. Ye ek khalis mauka hi hai ke Othello kamal yakeen se Iago par yakeen karta hai. यानी पूरी तरह से अयागो पर यकीन करता है implicitly believes पूरी तरह से यकीन करता है and does not question him at any stage और किसी भी मरहले पर उससे सवाल नहीं करता at a dozen points in the story कहानी में एक दर्जन जगहों पर says Walter Raleigh कहता है a slip or an accident would have brought Iago's fabric About his ears, कि एक फिसलना एक दफा फिसल जाना या एक हादसा would have brought Iago's fabric about, bring about वजह बन सकता था Iago की बनावट या साखत की his ears उसके कानों तक But such an event does not occur, लेकिन ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आता ऐसा वाकया वाकया नहीं होता है And this is due to chance. और ऐसा chance की वजह से है, इत्तफाक की वजह से है. Desdemona drops her handkerchief, and Amelia picks it up without the knowledge of Desdemona. Desdemona अपना रुमाल गिरा देती है, और Amelia इसे उठा लेती है without the knowledge of Desdemona. Desdemona के इल्म के बगैर. This handkerchief is passed by Amelia to Iago. यही रुमाल पास कर देता है गुजार दिया जाता है Amelia से Iago की तरफ यानी Amelia इसी रुमाल को Iago की तरफ गुजार देती है Iago को पहुंचा देती है Who needs it badly at this stage? जिसे इसकी अशद जरूरत है इस स्टेज पर इस मरहले पर With the help of the handkerchief. Iago brings ruin in the life of Othello with the help of the handkerchief. Romal ki madad se Iago Othello ki zindagi mein tabahi lata hai. Iago drops this handkerchief in the cabin of Cassio. Iago ye romal Cassio ke kamre mein gira deta hai. It is a matter of chance that Cassio gives it to Bianca to copy the embroidery
ये एक मौका या इत्तफाक का मामला है कि कैसियो यही रुमाल बियांका को दे देता है टू कॉपी द एम्ब्रॉयडरी, कशीदाकारी या कढ़ाई की नकल करने के लिए। एंड इट इज जस्ट अ चांस, और यह भी एक मौका है, एक इत्तफाक है, दैट बियांका अराइव्स एट द टाइम, कि बियांका उसी वक्त पर पहुंचती है, व्हेन अयागो एंड कैसियो आर होल्डिंग अ टॉक, जब अयागो और कैसियो बात कर रहे हैं, एंड अथेलो सीज द हैंकरचीफ इन बियांकास हैंड, और अथेलो बियांका के हाथ में रुमाल देख लेता है। इट इज फर्दर अ चांस, मजीद ये एक चांस है, मौका है, दैट डेस्टिमोना डज नॉट स्पीक द ट्रूथ अबाउट द हैंकरचीफ, कि डेस्टिमोना रुमाल के बारे में सच नहीं बोलती है, एंड डज नॉट से दैट शी हैज ड्रॉप्ड इट एंड हैज लॉस्ट इट, और ये नहीं कहती है कि उसने इसे गिरा दिया है और इसे गुम कर दिया है। शी नेवर टेल्स अथेलो, वो कभी भी अथेलो को नहीं बताती दैट शी हैज लॉस्ट द हैंकरचीफ, कि उसने रुमाल गुम कर दिया है। शी जस्ट साइड ट्रैक्स द इशू, वो महज इस मसले को साइड ट्रैक्स करती है, रास्ते से एक तरफ हटाती है। व्हेन अथेलो मेक्स रिपीटेड इंक्वायरीज अबाउट इट, जब अथेलो दोहराई गई तहकीकात करता है इसके बारे में, इंक्वायरीज तहकीकात या तफ्तीश करता है, इट इज ऑल्सो चांस, ये भी एक मौका है, इत्तफाक है, दैट एमिलिया के एमिलिया हु लेटर ऑन रिवील्स द एंटायर मिस्ट्री ऑफ द हैंकरचीफ, जो बाद में रोमाल की पूरी मिस्ट्री पूरा राज जाहिर कर देती है टू अथेलो, अथेलो को, डज नॉट कन्फेस टू डेस्टिमोना दैट शी हैज पिक्ड इट अप, डज नॉट कन्फेस, इकरार या इतराफ नहीं करती डेस्टिमोना से कि उसने इसे उठाया है, यानी रुमाल उठाया है, एंड गिवन इट टू हर हस्बैंड, और इसे अपने खामद को दिया है। शी कीप्स साइलेंस ऑल द टाइम, वो तमाम वक्त खामोश रहती है। व्हेन डेस्टिमोना इज फ्रेटिंग एंड फ्यूमिंग अबाउट द हैंकरचीफ, जब डेस्टिमोना रुमाल के बारे में परेशान हो रही है और गुस्से से भरी हुई है, इट इज जस्ट अ चांस, ये महज एक मौका है, इत्तफाक है, दैट रोड्रिगो हिट्स, के रोड्रिगो जरब लगाता है, हिट करता है कैसियो, एंड कैसियो एस्केप्स सिंस ही हैज बीन पुटिंग ऑन आयरन शर्ट इनसाइड, कैसियो को जरब लगाता है और कैसियो बच जाता है चूंकि उसने लोहे की कमीज पहनी हुई है इनसाइड अंदर। Further, it is just a chance, ये महज एक इत्तफाक है, that Desdemona sheds tears, कि Desdemona आंसू बहाती है, when she knows of Cassio's dismissal, जब वो कैसियो की बर्तरफी के बारे में जानती है, and thereby excites the jealousy of Othello, और इस तरह से Othello के हसद को जोश दिलाती है, उभारती है। In all these ways, chance plays its own part. In tamam tareekon se, chance, mauka, ittefaq, apna hissa, apna kirdaar ada karta hai in bringing about the tragedy ki wajah banne mein. Tragedy kya hai? Ek dardnak ya alamnak drama. Thus, we can conclude. इस तरह हम नतीजा अखज कर सकते हैं, लाइक एसी ब्रैडली की तरह, दैट इन अथेलो के ड्रामे में देयर इज इन फैक्ट सच अ प्रीडोमिनेंस गिवन टू एक्सीडेंट, के हादसे को ऐसी फौकियत या ऐसा गलबा दिया गया है, दैट वी सीम टू वंडर, कि हम हैरान होते हुए दिखाई देते हैं, एंड पिटी और तरस खाते हुए, रहम खाते हुए, that even human virtue at its highest should not be able to hold its own
against blind chance and intrigue. That even human virtue, के यहां तक के इंसानी नेकी, इंसानी जोहर, at its highest, अपने आला तरीन मुकाम पर, should not be able, काबल नहीं होना चाहिए, to hold its own, अपने आप पर काबू पाने के काबल नहीं होना चाहिए, against blind chance and intrigue, अंधाधुंध, अंधे मौका या इत्तफाक और साजिश के खिलाफ अपने आप पर काबू पाने के काबल नहीं होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही रोल ऑफ चांस इन द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो का क्वेश्चन खत्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।